रोजाना लोक नाथ टीवी का प्रोग्राम खबर सवेर देख रहे हो तुसी। मैं हाँ सुरविंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दे विच गलबात करांगे पंजाब दी सियासत दे नाल जुड़ियां हुईयां कुछ वड्डियां खबरां बारे। जिस तरीके दे नाल कांग्रेस दे अंदर आपसी काटो कलेश लगातार वधदा जा रहा है, पार्टी अंदर खलाह दी स्थिति पैदा हुई हुई है, वह कैप्टन अमरिंदर सिंह अते सुनील जाखड़ दे हुण वसों बाहर हुंदी दिखाई दे रही है, क्योंकि हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े है खुद सोनिया गांधी अते राहुल गांधी नाल जाके मुलाकात करनगे। इस तों पहलां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चिट्ठियां भी लिखियां, फोन भी कीते, पर कांग्रेस हाईकमान दे वल्लों मामले दे विच इंटरव्यू नहीं कीता गया। ते हुण स्थिति हत्थों खुसदी देख कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद मुलाकात की जाणगे। तां उत्थे ही दूजे पासे सिद्धू, चरणजीत चन्नी, प्रताप सिंह बाजवा की गल्लां कहिंदे ने, की कुछ इस मामले ते कहिंदे ने, उहदे बारे भी गल्लबात करांगे। ते स्थिति हुण अग्गे मीटिंग तो बाद की बनेगी, कांग्रेस हाईकमान का की रुख रहने वाला है, उस मामले से भी गलबात करांगे। तो उस तो बाद गलबात करांगे कि कल विक्रम सिंह मजीठिया के वलों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिदे विच उन्होंने वलों साफ तौर पर कह दिता गया कि मुख्यमंत्री जिहड़े साबका मुख्यमंत्री ने प्रकाश सिंह बादल का, सुखबीर सिंह बादल का, किते भी ना जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट च ते ना कुमर विजय प्रताप की रिपोर्ट के दोषी के तौर पर नाम आया। तो इतने सवाल पैदा होंगे ने कि जेकर तुहाडे ना रिपोर्ट के दोषी के तौर पर नहीं आए तो फिर तुहाडी पार्टी के लोग जिहड़े आ उह जांच रिपोर्ट खारज होने तो बाद खुशी क्यों मना रहे सी? गुरु साहब के दोषियों नूं सज़ा मिलने वाली रिपोर्ट रद्द होने पर अकाली दल खुशी क्यों मना रहा सी? इस पूरे मामले से भी गल्लां बातां हुईयां। सिद्धू, चन्नी, जाखड़ ते कैप्टन उपर भी बहुत तरह के इल्जाम लगाए ने, उस पूरे मामलों पर गलबात करने की कोशिश करांगे कि कैप्टन ते सिद्धू ते जिहड़े लगाए गए जिहड़े इल्जाम, खास करके सिद्धू ते जिहड़े लगाए गए इल्जाम राम रहीम नूं लै के, आसाराम नूं लै के, राधे मां नूं लै के जिहड़े सवाल चुके गए आ, उह किन्ने क वाजब विक्रम सिंह मजीठिया के मूहों लगते हैं, क्योंकि खुद जिहड़े प्रकाश सिंह बादल ते सुखबीर सिंह बादल दीआं भी फोटोआं जिहड़ीआं राम रहीम दे नाल जिहड़ीआं वायरल हो चुकीआं ने, अकाली दल दे होर वी वड्डे लीडर जिहड़े उहनां दीआं वी फोटोआं राम रहीम दे नाल आ चुकीआं ने, इत्थों तक कि श्रोमणी कमेटी दे साबका जिहड़े प्रधान ने उहनां नूं वी राम रहीम दे कोण जाण दे करके सज़ा मिल चुकी आ, पर फिर भी उह जिहड़े आ श्रोमणी कमेटी दे प्रधान लंबे समें तक उह बने रहे। इस पूरे मामले ते गलबात करांगे, ते गलबात करनी मेरे नाल राजनीतिक माहर दे तौर ते डॉक्टर भीमेंद्र सिंह जी मौजूद रहणगे। सब तो पहले उन्हां दा स्वागत करदे हां। डॉक्टर साहब स्वागत है प्रोग्राम दे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद सुखविंदर जी। डॉक्टर साहब मैं चाहुंदा कि आपां शुरुआत जिहड़ी है इत्थे करिए विक्रम सिंह मजीठिया नूं लै के, बाद दे विच कैप्टन दी जिहड़ी मीटिंग है उह ते करांगे। विक्रम सिंह मजीठिया जिस तरीके दे नाल नवजोत सिंह सिद्धू ते, सब तो पहले तो आप ये गल कर लीए जिस तरीके दे नाल उह गल इह गल कह रहे ने कि भाई साडा तां ना तां कुमर विजय प्रताप दी रिपोर्ट च, ना ही जिहड़ा जस्टिस रणजीत सिंह दी रिपोर्ट दे विच साडा किते वी नाम नहीं आया, किवें देखदे हो फिर अकाली दल खुशी क्यों मना रहा सी? सुखविंदर जी देखो दो गल्लां हुंदियां ने, एक तो हुंदा कि जदों कोई घटना वापरदी है उहदे विच फिर कानूनी कार्रवाई हुंदी है, सरकारी अदालतां ने, एक हेठलियां अदालतां ने, फिर उपरलियां ने, फिर सुप्रीम कोर्ट है, एक तो इदां दी कार्रवाई हुंदी है। उहदे विच की हुंदा कि जिहड़े जिन्हां कोले ताकत हुंदी है, जिन्हां कोले पैसा हुंदा है, उह सबूतां नूं इधर उधर करन दी पूरी कोशिश करदा है। और इन्हां केसां दे विच वी आपां नूं पता है कि लगभग जदों इह घटनावां वापरियां ने, चाहे वह बरगाड़ी कांड हो, चाहे वह गोली कांड हो, लगभग डेढ़ पौने दो साल अकाली दल भाजपा की सरकार रही है, और उस दौरान बहुत सारे जो सबूत होंगे ने वह इधर उधर होने की संभावनावां पूरिया पंदियां ने। पर इस केस के शरेआम जिमें नवजोत सिंह सिद्धू होर ने अपनी जी तुम पता होगा कि वीडियो वायरल की सी, उहदे विच तां शरेआम पता लग रहा है, आम बच्चे नूं भी पता लग रहा है कि इहदे विच कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। सो एक तां इह गल हुंदी है। दूजी सुखविंदर जी जिहड़ी वड्डी गल हुंदी है उह है लोकां दी अदालत। लोकां दी अदालत कदे भी गलत फैसला नहीं करदी, उह दुध दा दुध पाणी दा पाणी करदी है। सो जिहड़ियां लोक इह जिहड़ा इह जिहड़े कांड ने, इह जिहड़े फैसले ने, इह लोकां दी अदालत दे विच ज़्यादा मैनूं लगदा उहदे विच फैसले होए ने, लोगों ने फैसला कर चुके ने, लोग ये फैसला कर चुके ने कि केड़ा दोषी है, केड़ा नहीं दोषी। लोगों के मन के गल पई है, उन्होंने तो फैसला सारा दे सुना ही दिता सीगा। जदों अकाली दल जिहड़ा और भाजपा जिहड़ी सरकार है 10 साल जिहड़ी सत्ता च रहे
और एकदम वह तीजे नंबर पर आ जाए और इसका मतलब यही है कि लोगों के दिलों के पार्टियां या ये जो लोग ने उन्होंने दसता सीगा कि भाई तुम ये दोषी हो। सो इस करके अकाली दल ये जे जिमें कह रहे हो कि लड्डू वंडने या होर खुशियां मना छड़ देनिया चाहिए ने, क्योंकि लोग समझ चुके हैं क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के लोगों की जो आवाज होंगी है वह वड्डी होंगी है, चाहे अदालतों के एक वक्री गल है कि अदालतों के किनू दोषी ठहराते हैं किनू नहीं ठहराते। लोगों ने एक किस्म का दोषी अकाली दल बादल ठहरा दिता हो, उन्होंने मन साफ है गल। सो इस करके वड्डी गल यह है कि सानू लोगों की आवाज सुननी चाहिए है, लोकतंत्र है ये। मजीठिया साहब जे कह रहे हैं कि मतलब मिट्टी पाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी गुनाहों के उत्ते, सो एदा गुनाह नहीं छुपते होंगे। जे ये गल सी फिर उन्होंने बादल साहब ने सुखबीर बादल होर ने जाके हरिमंदर साहब जिहड़े हैगे जोड़े साफ किए थे भुलां बख्शाइया सीगियां, इहदा मतलब कितना ना कितने उन्होंने मन च सीगा कि साडी जिम्मेवारी असी नहीं निभाई। सो इस करके मैनू लगता है कि मजीठिया साहब जिहड़ी कल कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है उहदे विच काफ़ी जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हों का झूठ उन्हों का हंकार वो नज़र आ रहा है। एक जिहड़ी लोगों का लीडर जिहड़ा हुंदा है उदा दियां जिहड़ियां वो देखो उन्हां दी नहीं बन रही, एक मतलब नवी तरह का जिहड़ा हैगा रजवाड़ा शाही गुंडागर्दी वाली जिहड़ी आपां कह सकदे हां कि उस किस्म की शख्सियत नज़र आ रहे ने मजीठिया साहब। सो इस करके लोगों की आवाज़ जिहड़ी हुंदी है बहुत बलवान हुंदी है, बहुत बुलंद हुंदी है। लोग अकाली दल नूं गुनाहगार मन चुके ने, उन्हां नूं बार बार वह अपनी सज़ा सुना भी रहे ने, 17 विच भी सुनाई, 19 च भी सुनाई और 22 च भी सुनाउणगे। इस करके कोई घबराउण की गल नहीं है, लोग जिहड़े ने लोग ताकत हुंदे ने, चाहे अदालतों के विच कुछ भी होवे, अदालतों के विच चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाण, चाहे वह निचलियां अदालतों च होण, चाहे सबूत इधर उधर हो जाण, बट लोग उन्होंने जिहड़ा है लोग फैसला कर चुके ने। सुखविंदर जी उधर जे गल करिए बिक्रम सिंह मजीठिया के वालों नवजोत सिंह सिद्धू ते भी शब्दी वार साहब दे गए हैं, कहिंदे कि ये भाई कितने राम रहीम को कितने आशा राम को कितने जिहड़ा हैगा राधे मां को दरबार के जाके उन्होंने गुणगान करता है, जिहड़े पुरानियां वीडियो उन्होंने वालों कल मीडिया के उजागर की गई हैं, किवें देखदे हो कि वह भुल गए कि भाई तुहाडे गोबिंद सिंह लौंगोवाल नूं भी डेरे ते जाण दे करके सज़ा मिली सी ते तुसीं जिहड़े है उन्हां नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान बनाया सी, फोटोआं वायरल वड्डे बादल ते छोटे बादल दियां भी उत्थे जाण करके होईआं ने, तुहाडे ते तां इत्थों तक भी इल्जाम लगदे रहे आ कि हाले तक भी लग रहे आ कि बादलां ने ही माफी जिहड़ी राम रहीम नूं दवाई सी, होर भी इन्हां दे बहुत सारे चाहे उह परमिंदर सिंह ढींसा उस वक्त इस पार्टी दे विच सन, सुरजीत सिंह रखड़ा, होर बहुत सारे लीडर है जिहड़े उन्हां दियां जिहड़ियां वीडियोज़ ने जां फोटोआं ने राम रहीम दे डेरे दे उप्पर वायरल होईआं होईआं ने, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। अकाली दल नूं सदा इस करके नहीं मिली सी कि वह जिवें आपां नूं पता है कि वह डेरा साहब दे गए या फलाना बंदा गया या नहीं गया, उत्थे जाना या ना जाना एक वक्री गल है, निजी तुहाडा निजी मसला हुंदा है। पर असली जिहड़ी वड्डा कारण है अकाली दल नूं सदा इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने अपनियां वोटां लई सौदा साध नूं माफ़ी दवाई, उन्होंने बकायदा तौर पर अकाल तख्त साहब के जथेदार नूं या बाकी जथेदारां नूं किवें वरत्या और उन्होंने वरत के अपनिया सत्ता काम कायम करने लई वोटा लैण लई और जितने लई दोबारा तुसीं देखोगे कि जिहड़ियां 12 दे विच जदों चोणां हुंदियां ने विधानसभा दियां तां उह सारी जिहड़ी पोलराइजेशन सीगी वोटां दी जिहड़ी उहनां नूं लगदा सीगा कि जिहड़े डेरा प्रेमी ने उह सानूं इस आधार ते वोटां पा देणगे जे असीं डेरा प्रेमी नूं माफ करता। सो बकायदा तौर ते उह सारी प्लैन बनाई गई, माफ़ी दवाई गई ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨੱਕ ਰਗੜੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਭਿਨੇਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ, ਹਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦਵਾਉਂਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੜਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਸੀ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਘੇਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ 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 ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਵਰਤੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਗੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਫਾੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਓਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜੇਕਰ ਖਬਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੱਲ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ ਨਾ, 17 ਵਾਲਾ ਔਰ 19 ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ 17 ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ 19 ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਿੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ 4.5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਖੋ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
नवे जिहड़ा हैगा सारियां चीजां कीतियां जाण दीआं कोशिशां ने, बट लोकां दा जिवें मैं कहांगा लोकां दी कचहरी बहुत वड्डी हुंदी है। लोक इस वेले समझ चुके ने कि कैप्टन दे साहब दी गल जिहड़ी हैगी बस दी गल नहीं रही, हुण हुण आउण वाला समां की है, आउण वाला समां उहनां नूं लगदा है कि जिहड़े नवे बंदे ने खास तौर ते नवजोत सिंह सिद्धू दे उत्ते लोकां दा जिहड़ा ध्यान है उह फोकस हो रिहा, लोक चाहुंदे ने कि इदां दे बंदे जे आउणगे ता ही दुद्ध का दुद्ध पानी का पानी हो सकता है, ता ही पंजाब के मसले हल हो सकते हैं, नहीं तो लोगों को यह लगता है कि कैप्टन साहब जिहड़े ने हुण लगातार अपन पता है ये गल्लां कहियां जांदियां ने कि भाई जिहड़े राहुल हुणी है वह सिद्धू दे मगर जिहड़े खड़दे है, तो उत्थे जेकर सोनिया गांधी की गल करिए जिहड़े इस वक्त प्रधान ने कांग्रेस के, कहिंदे कि सोनिया गांधी ते राहुल राजीव गांधी के उपर कैप्टन अमरिंदर सिंह के एहसान ने, इस करके एहसाना के तले सोनिया गांधी दबी हुई है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह वाल अपना झुका रखती है। यही कारण है कि जिहड़े कैप्टन दे पार्टी अंदर दे पुराने विरोधी आ उन्हां नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खूंजे ला के रखे। की लगता है कि सोनिया गांधी उन्हां अहसानां दे तले एक बार फिर तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं हीरो बना के बाकियों नूं अखो परोखे करके खूंजे लगा देवेगी? सुखविंदर जी देखो जिहड़े पोलिटिकल पार्टियां हुंदियां ने ना उह अपना यह देखदियां ने कि मैनू फलाना बंदा जानदा है, मेरे ते इन्हां ने किसे वेले बड़े एहसान कीते सीगे, जिवें सोनिया जी बारे तुसीं कह रहे हो, उन्होंने अपने एहसान पूरे करते, दो बारी मुख्यमंत्री बना देना और अकाली दल तो आके एक नवा बिल्कुल नवा चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस के विच दो बारी उन्होंने बना के उन्होंने एहसान उतार दिता है। पर अज की जी पोजिशन है गल है कि ये जेडे लोग ने पोजिशन देखेंगे कि इस वे लीडर की किदा की पोजिशन है, वो लोगों के लोगों के जाने जा रहा है, लोगों के उन्होंने किन्ना क आने वाले समय के कि चेहरा वह बन सकता है। जे तो उन्होंने लग्या कि कैप्टन साहब जेडे ने आने वाले दिनों के तीजी पारी जी है खेड सकते हैं, जिड़ी कि मैं लगता कि बहुत घट संभावनावान ने, फिर तो वह कैप्टन साहब वाल झुक जाएंगे। जे उन्होंने लगता है कि नवे चेहर की लड़ है हूँ इस वे पंजाब के लोग नवे चेहरे मंग रहे हैं, नवे लोगों की अगवाई मंग रहे हैं, फिर मैं लगता है कि कैप्टन साहब की दिक्कत आ सकती है, कैप्टन साहब की जोड़े है उन्होंने खुडे लैन हौली हौली लाना शुरू करता है। वैसे उन्होंने पता लग गया जो इंटरव्यू नहीं कर रहे, यदा मतलब उन्होंने यह पता है कि पंजाब के लोग किस तरह की आवाज सुनना चाहते हैं, किस तरह के लोगों के नाल जाना चाहते हैं, इस करके डिले इस करके होया। उन्होंने मतलब यह नहीं है कि उन्होंने नहीं पता कि सारिया चीजा वापर रही ने, उन्होंने रिपोर्टा तो जा ही रही, बट वह कोई फैसला नहीं लै रहे क्योंकि उन्होंने लगता है कि पंजाब के लोग इस वेले कैप्टन साहब नहीं पसंद कर रहे, कैप्टन साहब तो वड्डिया कार्रवाइया की मांग कर रहे हैं कि भाई तुम चाहे कोरोना हो या चाहे किसानी संकट है चाहे चाहे होर जड़िया बुनियादी जड़िया लोड़ा ने जिड़े तुम जिमें तुम देखा होगा कि प्रशांत किशोर को उन्होंने बहुत सारे वादे करवाए, गुटका हाथ च गुटका साहब हाथ च फड़ के तुसी देखोगे कि लगातार उन्होंने यही कहा कि मैं भाई लक तोड़ांगा नशियां दा। सो ये सारिया गल्लां दे विच जदों फेल नजर आ रहे हैं कैप्टन साहब, तो मैनूं लगता है कि हाई कमांड जिहड़ी हैगी है वह इसलिए फैसला नहीं लैना चाहती कि किते जिहड़ा हैगा ये जिहड़े लोग ने जिन्हां नूं लोग प्यार करते हैं, मान लो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी प्रगट सिंह जी या होर जिहड़े इन्हां दे कांग्रेस दे विचों चंगे बंदे ने उन्होंने लोग जड़े ने पसंद कर रहे हैं, और वो पैरल जो आप मुकाबले देखिए तो कैप्टन साहब का जोड़ा ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है। सो इस करके हाई कमांड जी हैगी है चाहे सोनिया जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे प्रियंका जी हो कदे भी एडा वा फैसला नहीं लैणगे कि वह नवजोत सिंह सिद्धू या प्रगट सिंह होर एडे वे जे लीडर वह खुडे लैन लवा दन या इन्हों पार्टी चो कढ़वा दन, इदा का हूँ मैं लगता है कि वह संभावना हम चलिया गई ने। हूँ हाँ ये हो सकता है कि कैप्टन साहब न चुप कराया जाए, उन्होंने उत्ते लगाम पाई जाए और उन्होंने कहा जाए कि जे 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 मुद्दे ये उठा रहे हैं उन्हों का तुम जवाब दो, उन्होंने हल करो क्योंकि थोड़े को समा बहुत थोड़ा है, कि ये प्रैशर जोड़ा है आने वाले दिनों हाई कमांड द्वारा ये कैप्टन साहब के उत्ते बन सकता है। सो इस करके मैं ये कहना चाहना कि आने वाला समा कैप्टन साहब के लिए एक बड़ा संकटमई समा हो सकता है, उन्होंने इदा नहीं हूँ सोचना चाहिए कि मैं हूँ 17 वाला या 19 वाले दौर चो गुजर रहा, हूँ 21 और 22 का दौर है, हूँ नवा दौर है और नवे दौर के नवे लोग जिहड़े ने अगे आने दी संभावनावां ज्यादा कांग्रेस के नजर आ रही ने। सुखविंदर जी की लगता है कि तो यही साफ हुंदा है कि 2022 के चेहरा नहीं बनाया जा सकता जिस तरीके के हालात पंजाब कांग्रेस के अंदर ने,
जिस तरीके का झुका कैप्टन अमरिंदर सिंह वाले पासे नूं लगता नहीं है, लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 2022 दे विच कांग्रेस दे उम्मीदवार नहीं हो सकते। मैं यही गल कह रहा सुखविंदर जी कि ग्राफ देखा जाएगा कि किधर किहड़े लीडर का किदां दा ग्राफ बन रहा है। जे उहदे विचों कैप्टन साहब का ग्राफ आपां नूं पता है कि 17 और 19 तो गिर रहा है, लोग उन्होंने नापसंद कर रहे हैं, तो कदे भी नहीं बनेगा, कदे भी कांग्रेस एडा वड्डा रिस्क नहीं लाएगी कि कैप्टन साहब का चेहरा अगे लगा के उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा जिहड़ा हैगा बनाया जाएगा। हाँ, जे उन्होंने लगता है कि नवे चेहरे लोग पसंद कर रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू प्रगट सिंह वर्गे लोगों जिहड़ा हैगा अगे आना चाहिए, उन्होंने लोग पसंद कर रहे हैं, तो लाजमी तौर पर इन्होंने लोगों को अगे लिया जाएगा और इन्हों का चेहरा बनाया जाएगा। इस करके मैनू जिहड़ा हैगा आने वाली जिहड़ियां संभावनावां लग रही ने ओह यही लग रही ने कि कैप्टन साहब का जिहड़ा चेहरा अगले पारी का चेहरा बनना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा फिलहाल, और बहुत छेती यह गल क्लीयर हो जाएगी क्योंकि इतों पता लग रहा है ना कि सानू जे कैप्टन साहब उन्होंने चेहरा बनाना होंगे तो लाजमी तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू या होर भी जोड़े लोग उठ रहे थे आवाजा उठा रहे थे तो उन्होंने कितना ना कि उन्होंने इशारा कर देना सी, ए मतलब जो इशारा नहीं हो रहा लगातार नवजोत सिंह सिद्धू ट्वीट तो ट्वीट कैप्टन घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह मतलब यही है कि लोग जड़े ने या हाई कमांड जी हैगी है वह नवे चेहर देखना पसंद करेगी, तो इस करके मैं लगता है कि इस बारे कैप्टन साहब न भी सोचने की लड़ है, ये इशारों समझन की लड़ है, अगर इशारों समझे ता ही मैं लगता है कि वह वधिया अपनी जी आखिरी पारी आखिरी ओवर खेड रहे हैं जेडे वह चंगे ओवर खेड सकते हैं, नहीं तो जल्दी आउट हो जाएंगे। सुखविंदर जी जरूर पसंद आए होंगे, दोबारा फिर मिलांगे इस प्रोग्राम दे विच, तद तक दी इजाजत, धन्यवाद।